फ्रेंड्स, मॉम्स रसोई में आपका स्वागत है। आज हम ठंडाई स्पेशल बनाने जा रहे हैं, जो महाशिवरात्रि या होली पे बहुत जगहों पर बनाई जाती है और ये होली बहुत स्पेशल होती है। तो उसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स लगने वाले हैं हम देख लेंगे और ये बिल्कुल ट्रेडिशनल वे में बनाने वाली हूँ मैं। खसखस ये मेन इंग्रेडिएंट होता है इसमें। तो 2 टेबलस्पून पिस्ता, 5 से 6 ले लें आप 2 ग्लास बनाने के लिए। काजू 6-7, बादाम 7 से 8, ये गुलाब की पंखुड़ियां हैं। अगर आपको गुलाब की पंखुड़ियां नहीं मिल रही हैं तो आप रोज एसेंस या गुलाब पानी भी यूज कर सकते हैं। ये सौंफ को आप 1 टेबलस्पून लेंगे। ये कमल ककड़ी की बीजे हैं और ये बहुत पौष्टिक होती है, जो स्पेशली ठंडाई में डली जाती है। प्राचीन काल से इसका उपयोग किया जाता है और जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छी होती है। तो हम 5 से 6 कमल ककड़ी के बीजे ले लेंगे। ये खरबूज के बीजे हैं 1 टेबलस्पून। काली मिर्च आपको जितना तीखा चाहिए उस हिसाब से आप डाल सकते हैं, 7 से 8 2 ग्लास के लिए बहुत हो जाती है। जायफल का टुकड़ा है छोटा सा, आप जायफल अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं, बहुत ज्यादा डालना नहीं है इसमें। 2 से 4 इलायची और ये चिरौंजी है। ये जो ड्राई फ्रूट है वो हमारे भारत में ही मिलता है और कहीं पे भी नहीं मिलता है, तो इसे तो हम जरूर डालेंगे ठंडाई में। और ठंडाई को अलग से बढ़िया सा कलर देने के लिए हम यूज करेंगे केसर। अब हम इस सब सामग्री को, जो ड्राई फ्रूट्स हमने लिए हैं, वो एक मिक्सिंग बाउल में मिक्स करेंगे और उसे हमें भिगोना है रात भर के लिए। अब हम इस सब इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लेंगे मिक्सिंग बाउल में। सिर्फ केसर और जायफल को हम जब बनाएंगे ठंडाई तब हमें डालना है। तो अब हम इसे सादे पानी में भिगो लेंगे। अब हमें इसे ढककर रखना है और 6 से 7 घंटे तक हमें इसे भिगो कर रखना है। ये आप देखिए रात भर पानी में अच्छी तरह से सोख हो गया है और अब हम इसे ब्लेंड करेंगे। और ये जो पानी हमने लिया है वो पूरा लेना है हमें, जिस पानी में हमने भिगोया है उसे हमें लेना है, उसे फेंकना नहीं है। इसी पानी के साथ हम इसे ब्लेंड करेंगे। तब तक हम एक बाउल में शक्कर ले लेंगे और आपको जो लेना है शक्कर लीजिए या फिर हनी लीजिए या गुड़ डालना है तो गुड़ लीजिए, आपके इच्छा अनुसार आप ले सकते हैं। ये मीठा ही अच्छा लगता है तो मैं आधा लीटर के लिए मैं 10 टीस्पून शक्कर ले रही हूँ। और ये ठंडा चील दूध है, इसे हम बाउल में डाल के रखेंगे और थोड़ा सा केसर डाल देंगे। और इसमें हम अब ब्लेंडिंग जार में थोड़ा सा जायफल डालेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा डालना है हमें, ज्यादा नहीं डालना है, ये देखिए बस। और थोड़ा सा हम इसमें केसर डाल देंगे और ये सब मिक्सचर हमने गिराया था वो पानी के सहित इसमें डाल दें। ये देखिए हमने पानी में इसे ब्लेंड कर लिया है। अब हम इसमें थोड़ा सा दूध, ये जो हमने केसर और शक्कर डाल के रखी है वही दूध लेंगे हम और इसे फिर से हम एकदम फाइन पेस्ट होने तक ब्लेंड करेंगे। अब हमने फिर से शक्कर वाले दूध में से थोड़ा सा दूध इस कंटेनर में निकाल लिया है और जो हमने ये फाइन पेस्ट कर ली है दूध डाल के, अब हम इसे छान लेंगे अच्छी तरह से। अब हम इसमें फिर से ये वाला दूध डालेंगे और इसे फिर से छान लेंगे अच्छी तरह से। आप कपड़े से भी छान सकते हैं इसे, ये कपड़े जैसी छन्नी थी इसलिए मैंने ये ली है। ये देखिए हमने पूरा अच्छी तरह से इसको निचोड़ लिया है और निकाल लिया है इसमें का पूरा दूध। अब ये जो बचा हुआ है उसको आप सब्जी में भी यूज कर सकते हैं ग्रेवी के लिए, या फिर इसका बहुत अच्छा सौंदर्य प्रसादन के लिए भी हम इसको यूज कर सकते हैं। इसको स्क्रबर की तरह आप पैरों पे, हाथों पे और पीठ पे यूज कर सकते हैं। इसमें थोड़ा सा तुलसी का पाउडर और आंबे हलद का पाउडर डालें तो ये आपका स्क्रबर बन जाएगा। ये हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, शक्कर पूरी तरह से घुल गई है और हमने सर्विंग ग्लास में निकाल लिया है। ये होती है ट्रेडिशनल बिल्कुल ठंडाई। और ठंडाई इसका नाम क्यों पड़ा है, क्योंकि इसमें जो सौंफ डलती है, चिरौंजी डलती है, बादाम डलती है और कमल ककड़ी के जो बीज डलते हैं, खसखस डलता है, वो हमारे इंटेस्टाइन को, पूरा शरीर को ठंडा करता है, इसीलिए इसे हमें गर्मी में जरूर पीना चाहिए। तो बोलो हर शिव शिव महादेव और
इसका आनंद लीजिए और जरूर बना के देखिए। बहुत इजी है बनाने में। पहले तो सिलबट्टे पे बनता था, अब तो मिक्सर भी आ गया है, तो इसी तरह से बनाइए। अगर आप पाउडर डाल के बनाएंगे तो बादाम केसर दूध पीने जैसा लगता है। ये जो है उसमें पूरा बादाम काजू और सबका अर्थ निकला है, इसीलिए इसकी जो टेस्ट होती है वो एकदम ट्रेडिशनल होती है। सो एंजॉय, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, हैप्पी होली।